गुड मॉर्निंग क्लास। संविधान की सीरीज में मैंने आपको पिछले वीडियो में भारत की नेशनल पार्टियाँ यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बताया था, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में 8 हैं। लेकिन आज हम राज्य स्तरीय दल के बारे में चर्चा करेंगे, और राज्य स्तरीय दलों के बारे में पहले तो आपको हम बता दें कि राज्य स्तरीय दल कैसे होते हैं। जैसे हर राज्य में राज्य स्तरीय दल होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं। ये सब राष्ट्रीय पार्टी ना होकर बल्कि राज्य स्तरीय दल हैं। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई पार्टी बनाई और उस पार्टी को वो राज्य स्तरीय पार्टी बनाना चाहता है, तो उस राज्य में लोकसभा के चुनाव और जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उन दोनों चुनावों में या किसी एक चुनाव में कुल जो वोटिंग हुई है उसमें जो वैलिड वोट हैं यानी जो गिने गए हैं उन वैलिड वोटों का अगर उसे 6% वोट मिले हैं तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कम से कम 3% सीटें जीतना ज़रूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 400 का 3% कितना होगा, 12 सीटें। अगर किसी राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी है अगर उसके पास 12 सीटें हैं, विधायक हैं, तो वो राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। ठीक है, राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 3% सीटें जीतना अनिवार्य है। फिर से, राज्य स्तरीय दल की मान्यता अगर चाहिए है तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कितने परसेंट, 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा विधानसभा में जिसकी जो कुल सीटें हैं उन सीटों का 3% अगर उसे सीटें जीती हैं तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का, सॉरी, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। यानी किसी भी पार्टी को अगर राज्य स्तरीय दल का दर्जा चाहिए है तो उसकी जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से लोकसभा एवं राज्यसभा में जो कुल चुनाव हुए हैं लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल डाले गए वैलिड वोटों का 6% वोट उसको मिलना ज़रूरी है, एवं या इसके अलावा विधानसभा में उसकी कम से कम कितनी परसेंट सीटें हों, 3% सीटें हों, तो उसे राष्ट्रीय उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। निम्नलिखित राज्य स्तरीय दल हैं, सबसे पहले हम देखते हैं तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में है, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में है, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में अखिलेश यादव हैं, जबकि इस पार्टी की शुरुआत उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। तीसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके संस्थापक सीबू सोरेन हैं, ये झारखंड में हैं, इसका चुनाव चिन्ह तीर और कमान है, वर्तमान में झारखंड में इसी पार्टी की सरकार है और इसके मुख्यमंत्री सीबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन हैं। चौथे नंबर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक थे फारूक अब्दुल्ला, वर्तमान में इनके बेटे उमर अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष हैं, ये जम्मू कश्मीर में है, इसका चुनाव चिन्ह हल है। इसके बाद अगली पार्टी है शिवसेना, महाराष्ट्र में है, चुनाव चिन्ह इसका तीर कमान है, इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे, वर्तमान में इनके पुत्र कार्यकारी अध्यक्ष उनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। जनता दल यूनाइटेड, इसकी सरकार बिहार में, इसका चुनाव चिन्ह तीर है, JDU भी बोलते हैं इसे, BJD यानी बीजू जनता दल, इसकी ये उड़ीसा में, इसका चुनाव चिन्ह संख है और इसकी सरकार वर्तमान में उड़ीसा में है, और संख जो है वो मोलास्का संघ का जंतु है, संख मोलास्का संघ का जंतु है। असम गण परिषद, ये असम में है, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार और मणिपुर में है, चुनाव चिन्ह इसका लालटेन है, वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। DMK यानी द्रविड़ मुनेद्र कड़िकम, तमिलनाडु पौंडिचेरी में है और इसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, ये जयललिता की पार्टी है, ये एम करुणानिधि की पार्टी है, वर्तमान में एम करुणानिधि के पुत्र MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। AIDMK भी तमिलनाडु और पौंडिचेरी की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह दो पत्ती है। आम आदमी पार्टी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, इसका निकनेम या शॉर्ट नेम आप है, चुनाव चिन्ह झाड़ू है, दिल्ली में सरकार चल रही इसकी, पंजाब में चल रही। श्रोमणी अकाली दल, इसका चुनाव चिन्ह तराजू है, चुनाव चिन्ह तराजू है, पंजाब में है। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम में है, चुनाव चिन्ह टाइगर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल में, चुनाव चिन्ह हल है।
सिक्किम संग्राम परिषद सिक्किम में चुनाव चिन्ह हाथी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी कश्मीर में है, इसका चुनाव चिन्ह कलमदाबाद है और इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं। असम जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 ख़त्म हुई उससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यही थे। कौन थे मुख्यमंत्री का नाम क्या था? महबूबा मुफ्ती। राज्य स्तरीय दल एक बार फिर से बताते हैं, फिर से ध्यान सुनेंगे। राज्य स्तरीय दल को मान्यता अगर किसी पार्टी को चाहिए तो लोकसभा एवं राज्यसभा में जो कुल वोट डाले गए हैं उन डाले गए वैलिड वोटों का 6% वोट उसे प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा विधानसभा में उसकी कम से कम कितनी सीटें अनिवार्य हैं? 3% सीटें हैं तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। वर्तमान में निम्नलिखित पार्टियाँ राज्य स्तरीय दल हैं। सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में है, चंद्रबाबू नायडू इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, सपा इसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चिन्ह साइकिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में अखिलेश यादव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में चल रही है, उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो कि शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं, झारखंड में है, चुनाव चिन्ह तीर और कमान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी है जम्मू कश्मीर में, इस पार्टी की संस्थापक इनके पिता फारूक अब्दुल्ला हैं। शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में है, इसके चुनाव चिन्ह तीर कमान है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे थे, वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार में है, नीतीश कुमार की पार्टी है, चुनाव चिन्ह तीर है और बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार हैं। बीजू जनता दल BJD उड़ीसा में है, चुनाव चिन्ह संघ है, उड़ीसा में इसी पार्टी की सरकार है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक हैं जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और संघ जो है वो मोलास्का संघ का जंतु है। असम गण परिषद ये असम में है, इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी है, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव और लालू यादव के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव जो इस पार्टी के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार और मणिपुर में हैं, चुनाव चिन्ह लालटेन है। DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़िकम ये आपकी तमिलनाडु पुडुचेरी में, इसका चुनाव चिन्ह दो पत्ती है और सॉरी इसका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और DMK पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष M करुणानिधि थे, एक्सपायर हो गए, वर्तमान में MK स्टालिन हैं क्योंकि तमिलनाडु के CM भी हैं। AIDMK यानी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़िकम ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में है, इसका चुनाव चिन्ह दो पत्ती है। आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाई भी वर्तमान है पंजाब में, इसका दिल्ली और पंजाब में वर्चस्व है, दोनों जगह इसके CM हैं। श्रोमणी अकाली दल तराजू इसका चुनाव चिन्ह है पंजाब में है। मिजो नेशनल फ्रंट टाइगर चुनाव चिन्ह है और मिजोरम में है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल में चुनाव चिन्ह हल है। सिक्किम संग्राम परिषद सिक्किम में चुनाव चिन्ह हाथी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP कश्मीर में है, कलमदाबाद इसका चुनाव चिन्ह है। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी उस समय यही मुख्यमंत्री थी वहाँ की, इसी पार्टी की, उन मुख्यमंत्री का नाम क्या था? महबूबा मुफ्ती। समझ आया? एक बार पुनः बताते हैं, राज्य स्तरीय दल का दर्जा अगर चाहिए किसी पार्टी को तो लोकसभा या राज्यसभा में जो कुल वोट डाले गए हैं उन डाले गए वैलिड वोटों का 6% वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा विधानसभा में कुल सदस्य संख्याओं का 3% सीटें जीतना अनिवार्य है। वर्तमान में निम्नलिखित पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तेलुगु देशम पार्टी TDP आंध्र प्रदेश में, चुनाव चिन्ह साइकिल है, चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी SP उत्तर प्रदेश में, चुनाव चिन्ह साइकिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, चुनाव चिन्ह तीर कमान है, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड की सरकार इसी पार्टी की है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो कि शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, जम्मू कश्मीर में है, चुनाव चिन्ह हल है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक फारूक अब्दुल्ला थे जो कि उमर अब्दुल्ला के पिता हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में है, चुनाव चिन्ह तीर कमान है, इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे और वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। JDU अंतर जनता दल यूनाइटेड बिहार में है, चुनाव चिन्ह तीर है, इसकी सरकार बिहार में चल रही है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजू जनता दल उड़ीसा में है, चुनाव चिन्ह संघ है, संघ मोलास्का संघ का जंतु है। असम गण परिषद असम में है, चुनाव चिन्ह हाथी है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार और मणिपुर में है, चुनाव चिन्ह लालटेन है। राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी है और तेज प्रताप सिंह उनके भाई भी हैं।
डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु और पांडिचेरी में चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। ये एम के स्टालिन इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष या इसके संस्थापक एम करुणानिधि थे। ए आई डी एम के तमिलनाडु पांडिचेरी में चुनाव चिन्ह दो पत्ती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। चुनाव चिन्ह झाड़ू है, दिल्ली और पंजाब में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और पंजाब के भगवंत सिंह मान हैं। श्रोमणी अकाली दल के चुनाव चिन्ह तराजू है, पंजाब में है। मिजो नेशनल फ्रंट टाइगर चुनाव चिन्ह है, मिजोरम में है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल में चुनाव चिन्ह हल है। सिक्किम संग्राम परिषद सिक्किम में चुनाव चिन्ह हाथी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी संस्थापक सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं। कलम दबा चुनाव चिन्ह है कश्मीर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।